हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का रूट 3/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रही हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट होता है उसके क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपकी बुक में टेबल दी हुई है कि आप टेबल से देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स। पर आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी होगी, जहाँ पर माइनस लगा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से होंगे। जहाँ पर माइनस लगा है वो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अलग टाइप में होंगे, और जिसमें माइनस नहीं लगा है वो क्वेश्चन आपका नॉर्मल तरीके से होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जिसमें माइनस नहीं लगा है वाला क्वेश्चन लेके बता दूं। लिखा है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 है, 1/√2। तो कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस में किसका वैल्यू होता है, 1/√2 कॉस में होता है 45 का वैल्यू। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई फोर। 45 को आप क्या बोलते हैं, पाई बाई फोर। तो आपको यहाँ पर जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसको आपको पहले चेक करना है टेबल में कि यहाँ पर किस चीज की वैल्यू है कॉस में वो, और कॉस में ही होनी चाहिए। तो आपकी कॉस में जो 1/√2 वैल्यू होती है पाई बाई फोर की होती है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है 1/√2। अब इस कॉस से इस कॉस को कट कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, पाई बाई फोर। यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगा है तो यहाँ पर एक कंडीशन और है कि यहाँ पर अगर आपका माइनस नहीं लगा है तो आप क्या करेंगे, पाई बाई फोर इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर माइनस लगा है तो इसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा, वो आपको यहाँ पे करके बताएंगे। और उसमें भी साइन और कॉस का अलग प्रोसेस है। साइन और टैन का अलग है, मतलब साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक के लिए भी वही रूल है, और टैन के लिए जो कॉट होता है उसके लिए भी वही रूल है। बस यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, कॉस का जो रूल होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो सबसे पहले साइन लेते हैं यहाँ पर। तो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसका थोड़ा सा सिंपल मेथड है, इसको पहले बता दे साइन इनवर्स। अब आपको पता होगा ये जो माइनस है आपको ऐसे ही बाहर लिख देना है, माइनस में कुछ नहीं करना है। रूट 3/2 जो साइन इनवर्स, साइन में किसकी वैल्यू होती है आप टेबल में जाके चेक करेंगे तो साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, अंडर रूट 3/2। तो आप यहाँ पर माइनस को आगे ऐसे ही लगा रहने देंगे और पाई बाई थ्री, अब ये माइनस आप क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे। साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री, आप साइन से साइन कट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर माइनस का पाई बाई थ्री। तो इसका यहाँ पर सिंपल मेथड था, आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर केवल माइनस बाहर निकाल लेना था। तो ऐसे ही अगर आपको टेन का क्वेश्चन देता है, टेन में देता है, तब भी आप यही प्रोसेस करेंगे कि आपको क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल के जो भी वैल्यू देगी उसको पुट करके यहाँ पर कट करके निकाल देनी है वैल्यू। और यही साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक में अप्लाई करेंगे, और कॉट में भी यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन जो कॉस और सेक होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज होता है, अब उसको बताएंगे कॉस का जो मेथड है उसमें क्या करना है आपको। तो यहां पर कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स आप देखेंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 हमारी किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस में 1/2 होती है हमारी पाई बाई थ्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है पाई बाई थ्री की। लेकिन आपको यहाँ पर पाई बाई थ्री तो लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस की वजह से आपको यहाँ पर पाई माइनस लिखना है। क्या करना है आपको, पाई माइनस ये चीज आपको एक्स्ट्रा लगानी है यहाँ पर डायरेक्टली, इसकी वैल्यू पाई बाई थ्री नहीं लिखना है आपको, क्या करना है ये आपको वैल्यू अलग से लगानी है। और यहाँ पर कॉस जो होगा आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि ये कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू, और कॉस इनवर्स जो होगा वो अलग ऐसे ही लिखा रहेगा। आपका अंदर क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, कॉस में किसकी वैल्यू होती है पाई बाई थ्री की, आप जैसे पहले क्वेश्चन में लिखते थे कॉस पाई बाई थ्री लिखते थे, यहाँ पर 1/2 की जगह में, तो आपको 1/3 की जगह में, 1/2 की जगह में पाई बाई थ्री तो लिखना है, लेकिन पाई बाई थ्री की जगह में आपको क्या चीज अलग से ऐड करनी है, माइनस का पाई, पाई माइनस और फिर पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री तो 1/2 की वजह से हुआ, और जो माइनस लगा है इसकी वजह से आपको क्या करना है, पाई और ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस, अब इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जब, तो आएगा हमारा 2π/3, 2π/3 आएगा। इस कॉस से इस कॉस को हटा देंगे, आपका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अलग प्रोसेस था कि आपको सिर्फ ये ऐड करना था माइनस, अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका अगर ऐसे निकालेंगे नॉर्मल तो इसका माइनस का पाई बाई थ्री आंसर आना चाहिए, लेकिन माइनस का पाई बाई थ्री आंसर आपका नहीं आएगा, आपको इसको माइनस में सब्सट्रैक्ट करना होगा पाई में, तभी आपका 2π/3 जो सही आंसर होगा वो आपका
टू पाई बाई थ्री होगा। तो इस प्रकार आपका कॉस और सेक का जो भी होगा वो रूल अलग होगा, और साइन टैन का और अलग रूल होगा, और साइन टैन का जो भी उल्टा होता है उसका अलग रूल होगा, कॉस और सेक का अलग रूल होगा। कॉस सेक का सेम होगा, और साइन टैन कॉस टैन कॉसेक का उसका अलग होगा। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करना ना भूलें।